भाई कैसा लग रहा है इधर देखना नीचे। अरे कैसा लग रहा है देख तो ले पीछे एक बार पलट के सबसे ऊपर अपने चल गया। अरे कुछ नहीं देखो पास कर दे भले ही। अरे एक बार तो देखा पकड़ा है गाइस, यदि आप भी भीलड़ बाबा मेला जाने का सोच रहे हैं तो ज़रूर जाइए क्योंकि काफ़ी मज़ा आएगा। 2 साल के बाद मेला लगा है और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सामान भी आए हैं, तो आपको जाना चाहिए लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो वाहन धीरे चलाएं। और ये बता दूं आपको कि ये पुल थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो यहाँ विशेष सावधानी रखें और यहाँ पास में रोड के किनारे बिल्कुल भी वाहन ना उतारें क्योंकि दोनों तरफ गहरी खाई है और रोड खराब हो चुका है। हालांकि पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है लेकिन हमें भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मेले में जाकर फुल एंटरटेनमेंट करें जैसा आयु ने मेले में पहुँच कर किया। अभी हम आ चुके जहाँ पे हमको आना था। हाँ, मैं आपको बता दूँ, हम आ रहे थे भीलड़ बाबा के मेले में, तो अभी हम पहुँच चुके हैं और पापा फिर से वहीं पर बातें कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा, तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो पापा फिर से करने लगे बात। नमस्ते। अरे मैं तो बढ़िया हूँ। चलो कब चले? चलो चलो क्या दिखा रहे हो आज? अभी हम पहुंच चुके हैं भीलड बाबा के मेले में, तो अभी अपन अंदर चलते हैं। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं रुक रुक के जा रहे हैं क्योंकि पापा को कोई ना कोई मिल जा रहा है। जहाँ पे भी जा रहे हैं रुक रुक के जा रहे हैं।
आ चुका हूँ मंदिर में। पापा नहीं आए, मैं ही आया हूँ। इनका कभी चले गए ना, अब मैं भी आ चुका हूँ और अपन अब भी अंदर चलते हैं। और यहाँ पे कितनी भीड़ है, इधर से आ जाओ। आयु कैसा लग रहा है, इधर देखना नीचे। अरे कैसा लग रहा है, देख तो ले पीछे एक बार पलट के। सबसे ऊपर अपने पे लिया। अरे कुछ नहीं, देखो पास कर दे भले। अरे इधर तो देख रहा है, और भाईजान क्या हालचाल? अरे बस भैया।
है नहीं कुछ नहीं। गाइज, ये हैं हमारे खिलौन भैया, जो कि स्मार्ट होने के साथ साथ समझदार पति भी साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने संडे अपने परिवार को भीलड बाबा का मेला घुमा दिया। क्योंकि 6 दिन की वर्किंग होती है और समय नहीं मिल पाता है, तो बार बार परिवार वाले टोके कि हमें मेला घुमा दो। तो उन्होंने ये समस्या को संडे के दिन ही खत्म कर दिया। अब आराम से वो काम करेंगे। मैंने अभी देख लिया था, तुम दिखे नहीं थे यार। और क्या हालचाल? और ये हैं इटारसी के हमारे दो सब्सक्राइबर, जो हमें देखकर शर्मा रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम आपका चैनल देखते हैं।
या कहीं जाओ मत जाओ, लेकिन खपरिया के प्रसिद्ध कलाकंद वालों से जरूर मिलते हुए जाओ। जयराम जी की। जयराम। और क्या हालचाल भैया? थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा ले, खा तो अच्छा लगता है मीठा मीठा। पापा के साथ अच्छा लगता है बेटा, बहुत प्यारी एंकरिंग तुमने पापा की टी-शर्ट और पैंट पे। तो गाइस मैं आ चुका हूं मेले से, और गाइस मेल को बहुत अच्छा लगा, मेले में मैंने बहुत मजे भी करे, और मैं लाया हूं ये टैंक जिसको मैं आपको चला के बताता हूं। बस 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 अब बहुत सफाई कर ली। और तो गाइस मैं ये लाया था मेले से, और मैंने वहां पे बहुत मजे करे, मैंने सॉफ्टी खाई, मौत का कुआं देखा, राई झूले पे झूला, ड्रैगन पे झूला, और वो हाँ वो ट्रेन वाली वो ट्रेन वाला वो क्या बोलते हैं ट्रेन रोलर कोस्टर, लेकिन मम्मा यार रोलर कोस्टर तो वो होता है जो कैसे ऐसे ऐसे होता है, वो तो एक पटरी पे चला दिया और क्या। हाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ड्रैगन पे भी झूला, और मौत का कुआं भी देखा। तो गाइस और डर भी लगा, ये भी तो बता दो, वीडियो में वो सब देख चुके हैं, बस देख लिया। और डांसिंग कार में भी बैठा, पेट के संग गुदगुदी हो गई ड्रैगन पे। तो और इसमें की वाइल मिला नहीं जाएगा, दो बार होके आ चुका है। दो बार नहीं मम्मा, एक बार तो झूले भी नहीं झूले मैंने, माँ एक बार तो मेरे झूले भी नहीं झूले माँ। तो गाइस बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना था।